साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट शोक चौधरी। साथियों एक नए टॉपिक पे बात करेंगे। मेरे पास मेरे मोबाइल में वैकेंसीज तो बहुत सारे लोगों की आती रहती है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने ग्रुप में ऐड भी कर रखा है। बाकी हमारे जो लोकल हैं वहाँ से भी मैसेज वगैरह आते रहते हैं, लेकिन मैं इतने इंटरेस्टेड होता नहीं हूँ क्योंकि वो वैकेंसी कौन सी होती हैं, हालांकि टोटल वर्क परमिट से रिलेटेड होती हैं, लेकिन 99% होता है कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड। और कंस्ट्रक्शन में भी सैलरी कितनी, 800, 900, 1100, इससे ऊपर तनख्वाह नहीं मिलती। इसलिए मैं वो वीडियो बनाता भी नहीं हूँ, क्योंकि आप लोगों को वो पसंद नहीं आती, क्योंकि आपको तो भैया ज़्यादा वाली तनख्वाह चाहिए ना, इस चक्कर में फिर मैं इंटरेस्टेड ही नहीं होता हूँ। हाँ, लगता है कि कोई जो अगर महीने में एक आधी जॉब अगर अच्छी मुझे लगती है कि यार ये डाल देनी चाहिए, क्योंकि मैन पावर का काम होता है, कोई दिक्कत नहीं, वर्क परमिट वीज़ा होता है, इंटरव्यू देके जाओ तो भैया एक नंबर में है, तो कोई परेशानी वाली सोचने की तो कोई चक्कर ही नहीं रहता, ठीक है। तो मैं इसलिए थोड़ा बहुत डाल देता हूँ, बाकी मैं इंटरेस्टेड कम होता हूँ। अभी दो चार वैकेंसी मेरे पास आ रही, तो मैं सोचा चलो वीडियो शेयर कर दूं आपके लोगों के साथ, अच्छा लगे तो आप अप्लाई कर सकते हैं, नहीं अच्छा लगे तो वीडियो देखें, और आगे बहुत सारे वीडियो मिल जाते हैं वहाँ अप्लाई आप कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मेरे वीडियो देखें यहीं पर आप अप्लाई करें। आज मैं बात करूंगा साथियों चाइना से रिलेटेड, हालांकि बहुत ये जॉब आते ही नहीं है, मान के चलिए कि आते ही नहीं है, कभी कभार ऐसा जॉब मिल जाता है कि या तो उनको सख्त तुरंत जरूरत होती है। ये वैकेंसी जो आती है ना, ये दो चार दिन के लिए होती है, ये नहीं कि आज वीडियो देख रहे हो 15 दिन बाद अप्लाई कर रहे हो तो नहीं मिलेगी, क्योंकि इसमें इंटरव्यू फिक्स होता है कि भाई फलाने दिन का इंटरव्यू है, उसके बाद आप कॉल कितने करो कितने वीडियो देखो कोई चांस नहीं होता। तो ये चाइना से रिलेटेड है, मैं बता दूं इसमें वैकेंसी तो अलग कैटेगरी की मांगी गई है, ये मेटल कंपनी इन चाइना, जी हाँ साथियों चाइना में ही जॉब मिलेगा, कंपनी का नाम है इसमें मेटल, ठीक है। इसमें कैटेगरी का बता दूं, असिस्टेंट टेक्नीशियन कंप्यूटर हेल्पर, जी हाँ साथियों टेक्निकल इसमें मांगा है, असिस्टेंट कंप्यूटर हेल्पर से रिलेटेड। तो इंडिया में बहुत सारे लोगों के मेरे पास कॉल मैसेज आते हैं, रिज्यूम वगैरह भी भेजते हैं, लेकिन भाई मेरे पास जॉब तो होती नहीं है, तो मैं रिप्लाई भी उनको नहीं दे पाता, क्योंकि जॉब नहीं होती मेरे पास तो मैं क्या रिप्लाई दूं, ठीक है। अगर हाँ कुछ वैकेंसीज आती हैं तो आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप अपने हिसाब से वहाँ पे जाके या फोन पे या कैसे भी इंटरव्यू दे सकते हैं, आपकी वो मर्जी होती है। तो इसमें साथियों हेल्पर का जॉब है, असिस्टेंट टेक्नीशियन कंप्यूटर हेल्पर से रिलेटेड। अगर आपके पास अनुभव है, आपको अच्छा काम आता है, हालांकि सबके लिए वीडियो नहीं है, जिनको कैटेगरी का है उन्हीं की बात कर रहा हूँ। तो इसमें सैलरी की बात बता दूं साथियों, $1500 इसमें सैलरी है। अब 1500 को कन्वर्ट कर लेते हैं 70-72 के भाव से, तो मेरे हिसाब से बहुत पैसा बनता है। 70,000 ये हो गया, यानी 1,00,000 से प्लस सैलरी जा रही है, 1,10,000 के करीब इसमें सैलरी हो रही है, तो अच्छी सैलरी है। हालांकि चाइना में इतनी सैलरी ज़्यादा नहीं है, आराम से इतना मिल जाता है लोगों को, कोई बड़ी बात नहीं होती। इसमें आपको फूड और कैंटीन फूड भी शामिल है, वो आपको मिल जाएगा। इस वीज़ा की बात करें तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, विजिट वाला ऑप्शन इसमें नहीं है। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, आपका आप इंटरव्यू आपको पास हो जाते हो, तो इसमें आपको वीज़ा एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, 2 ईयर्स वीज़ा कॉन्ट्रैक्ट, यानी यहीं से आपका पासपोर्ट में चाइना का 2 साल का वीज़ा लग के जाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है, यानी बंदा स्टार्टिंग में अगर 1,00,000-1.25 लाख रुपये की सैलरी ले रहा है तो 2-3 साल बाद तो बहुत अच्छा पैसा इसमें कमा सकता है, ठीक है साथियों। अकोमोडेशन एंड ओवर टाइम भी आपको इसमें मिल जाएगा, ठीक है साथियों, अकोमोडेशन और ओवर टाइम इसमें साथ में मिल जाएगा। प्रोसेस टाइम वीज़ा की मैं बात करूं साथियों तो 45 डेज, मतलब 2 महीने, 1.5-2 महीने का मान के चलिए कि इतना टाइम इसमें लग जाएगा आराम से। नीड पासपोर्ट, पासपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, फोटो एंड CV इन MS वर्ड एंड फुल लॉन्ग फोटो एंड PP साइज फोटो भी इसमें जरूरत पड़ेगी, यानी फोटो मांगी है, CV इन MS वर्ड में आपकी CV होनी चाहिए, जो इसका है उनको पता है MS वर्ड क्या होता है, एंड फुल लॉन्ग फोटो, आपकी पूरी फोटो इसमें मांगी गई है, पूरी नीचे से लेके ऊपर तक की फोटो, PP साइज फोटो भी इसमें मांगी गई है, पासपोर्ट साइज फोटो और वो फोटो, दोनों तीनों इसमें फोटो मांगी गई हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप अप्लाई इसमें कर सकते हैं, मैं नंबर आपको दे दूंगा, आप मुझसे कॉन्टेक्ट करिए। भाई ऐसे तो नंबर मैं नहीं दे सकता, क्योंकि वैकेंसी होती है 2-4 कॉल आते हैं, 5,000 तो बस की बात अगले के नहीं होती, इसलिए लोग बोलते हैं नंबर छोड़ दो, भाई कैसे नंबर छोड़ दूं, जिनको जरूरत होती है वही बेचारे रह जाएंगे, अगला बोलता है भाई नंबर मत देना हमें जरूरत नहीं है ज्यादा लोगों की, क्योंकि कॉल आते हैं 5,000 बंदे पहुंचते दो, तो ऐसे फिर काम का यार क्या मतलब है। तो मेरे से कॉन्टेक्ट करिए, मैं नंबर आपको अवेलेबल करा दूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबा लें, ताकि हर रोज नए टॉपिक पे ऐसे वीडियो आपको मिलते रहे सही गाइडेशन के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।